गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट थ्रू गूगल फॉर्म. दिस वीडियो एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ गूगल फॉर्म व्हिच वी कैन यूज टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट. ओके सो लेट्स स्टार्ट. There are three methods to open Google Form. First one is there is the option in this nine dots are there. आप यहाँ सर्च करोगे यहाँ गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको. अगर गूगल फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको गूगल डॉक्स मिलेगा. Then click it. Then go to the menu option of Google Doc. And there is a form option available. ये आपका एक फर्स्ट ऑप्शन है हाउ टू ओपन गूगल फॉर्म. सेकेंड ऑप्शन है आपका यू कैन गो डायरेक्टली टू द गूगल एंड राइट गूगल फॉर्म्स. First option is there, Google Form free online survey. Click it. This is Google Form. So go to the Google Form. तो यहाँ से आप देख सकते हैं second option आपका Google Form का है. Okay, next option आपका यहाँ से भी आता है ये. आप ये Google Chrome खोलते हैं, nine drawers आएंगे, go to the Google Drive. Okay, go to this folder, more, and this is Google Forms. तो आपके three methods हैं. आप इन तीनों methods से किसी से भी आप Google Form को open कर सकते हैं. Okay, तो जैसे ये आपका Google Form एक open हो गया है तो हम इसी method से continue करते हैं. तो ये आपका front page है. सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ settings में जाना है. यहाँ तीन टैब है, जनरल, प्रेजेंटेशन, व्यूज. हम इनको पहले फुलफिल करेंगे. जनरल मतलब है कि ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना. इसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस लें. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे. लिमिट टू वन रेस्पॉन्स. आप चाहते हैं कि वन रेस्पॉन्स ही आए, मतलब स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही करे, तो आप इसको कर सकते हैं साइन इन. लेकिन इसके लिए भी आपको मेल रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, then respondent can edit after submit. आप चाहते हैं कि edit कर सके बच्चे after submission, तो हम ये क्लिक नहीं करेंगे, ना ही हम उनको summary chart और text responses दिखाएंगे. तो इनमें से आपको किसी को भी क्लिक नहीं करना है. then presentation में आप progress bar दिखाना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना काम complete कर लिया, कितने questions कर लिए, या question order सफल करना चाहते हैं. okay, या फिर अगर आपको सबमिट अनादर, आप चाहते हैं कि बच्चा दूसरा एक रेस्पॉन्स भी सबमिट करे, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं. तो हमें ये नहीं करना ऑप्शन. कंफर्मेशन मैसेज, आपका जब बच्चा सबमिट कर देगा स्टूडेंट, तो आपको क्या मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए. तो आप ये भी लिख सकते हो, सक्सेसफुली सबमिटेड. सक्सेसफुली सबमिटेड. ओके, कोई भी मैसेज आप जो लिखवाना चाहते हैं, जो डन कर सकते हैं, आप डन लिख सकते हो, फाइनली डन, कुछ भी आप सेव कर सकते हो. देन हमारा थर्ड ऑप्शन है क्विज का. ये आपका मेन इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऑनलाइन असेसमेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्विज को यहाँ क्लिक करना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद आपने ये दिए हुए ऑप्शन इसमें कि आपको ग्रेड रिलीज करने, मतलब आप स्कोर दिखाना चाहते हैं इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, या फिर आप चाहते हैं कि मैनुअली रिव्यू करके बाद में देना चाहते हैं, तो आप बाद में भी कर सकते हैं. लेकिन हम इमीडिएटली देना है तो अभी हम दे देंगे. आप ये चाहते हैं कि मिस्ड क्वेश्चन बच्चे को पता लगे, या करेक्ट आंसर पता लगे, या उनकी वैल्यूज, पॉइंट वैल्यूज, मतलब कितने मार्क्स का है ये पता लगे, तो आप उनको क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज डी सेलेक्ट कर दीजिए. सेव कर दीजिए ये सारी सेटिंग्स. देन हम हमारे मेन उस पर आ जाते हैं.
अब इसमें क्या करना है हमें, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि इसमें नाम डालना है, जो भी आपका, जैसे हम हमारे स्कूल का नाम डालेंगे RHM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आप ऑनलाइन असेसमेंट डाल सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट वन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है आप वो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज अनटाइटल्ड बॉय। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको किस तरीके का क्वेश्चन चाहिए, क्या टाइप होना चाहिए, तो आप यू कैन चूज दिस ऑप्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स। देर आर मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी ले सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे सपोज करो मैंने, मुझे मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, मैंने क्वेश्चन कुछ भी, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट भी मैं कर सकती हूँ या फिर आप राइट भी कर सकते हो। सपोज मैंने कर दिया फुल फॉर्म ऑफ CPU, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है आप यहाँ से जाके उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अब आपको ऑप्शंस डालने, तो ऑप्शंस में सबसे पहले हमने ऑप्शन डाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड ऑप्शन हमने डाला, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नहीं ले रहा है वो, इसको कुछ एडिट करना पड़ेगा हमें, इस तरीके से हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेस कर देंगे हम इसमें, थर्ड ऑप्शन हमने दे दिया सेंट्रल प्राइस यूनिट, दे दिया सेंट्रल प्राइस यूनिफाइड, कुछ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, ये आपके चार ऑप्शंस आ गए, ओके। देन आपको पॉइंट्स देने, कितने मार्क्स का आपका ये है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट हमने दे दिया, और आपको करेक्ट आंसर भी यहाँ से सेलेक्ट करना है, सब ये दिस इज वन करेक्ट आंसर, तो मैंने यहाँ चूज कर लिया, देखो राइट क्लिक आ गया है ग्रीन कलर से। देन इतना प्रोसेस करने के बाद आपको डन करना है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें यहाँ एक ऑप्शन भी होता है आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड मतलब जैसे आप यहाँ रिक्वायर्ड कर देंगे तो आपका रेड स्टार लगा हुआ आ जाएगा कि मतलब दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन, तो स्टूडेंट को आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन हम चूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ प्लस ले जाएंगे आप लोग, प्लस क्लियर करा हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमका आ गया। अब सपोज करना चाहती हूँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप वन वर्ड शॉर्ट आंसर्स ले सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज, आपका कुछ भी आप डाल दो, ALU कर देते हैं हम, ठीक है, या फिर आप सिंपल एक फिल इन द ब्लैंक्स से डालते हैं हम लोग, क्योंकि हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिया है, इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो अब इनपुट डिवाइस हम ले सकते हैं या हम लिख देते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, जिससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब आपका आंसर आपको डालना है, देन दोबारा आप आंसर की के जाएंगे, यहाँ आप पॉइंट फिक्स करेंगे 1 और 2 जितना भी आपको लिखना है, करेक्ट आंसर आप यहाँ टाइप कर देंगे माउस, ठीक है, देन डन कर देंगे, रिक्वायर्ड करना है रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो ये आपका मेथड है कि हाउ वी चूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड हाउ वी चूज शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम थर्ड टाइप लेते हैं आपका, जिसमें हम यहाँ से इस तरीके के फाइल अपलोड भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर आप हम ऑप्शन ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड का। इसमें क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग देना है आपको, ठीक
ठीक है, इसमें आपने ऑप्शंस डाल दिए, सपोज करो इनपुट डिवाइस, ठीक यहाँ सेकंड ऑप्शन में मैंने डाल दिया आउटपुट डिवाइस। इस तरह की जितनी भी आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन डालना है आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया प्रिंटर, यहाँ मैंने डाल दिया ऐसे, और भी कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, मेमोरी लिख सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो बेसिकली हम दो ही ऑप्शन कर लेते हैं, देन अगेन आप आंसर की पे जाएंगे। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपको कितने पॉइंट्स का करना है, तो आप यहाँ पॉइंट्स डाल सकते हो। वन वन का मैंने कर दिया, इनपुट डिवाइस पे मैंने क्लिक कर दिया माउस, एंड आउटपुट डिवाइस पे मैंने क्लिक कर दिया प्रिंटर। तो दिस इज करेक्ट आंसर, सो मैंने क्लिक कर दिया, इनको डन कर दीजिए। ठीक है, रिक्वायर्ड करना है, देन आपने रिक्वायर्ड कर दिया। इस तरीके से आप ये करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका, जिसमें आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से सपोज करो आपने एक इमेज डाली है, इंसर्ट इमेज में जाके आप इमेज सर्च भी कर सकते हो, या आपकी कोई अपलोड फाइल पड़ी रखी हुई है इसमें आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो आप उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इमेजेस हमने इंसर्ट करी, सपोज करो हमने एक इनपुट डिवाइस की कोई इमेज ले ली, हमने ये माउस की इमेज ले ली, सेलेक्ट करा, इंसर्ट करा, क्वेश्चन में हमने लिख दिया व्हाट इज दिस, या व्हाट इज दिस डिवाइस, या टेल द नेम ऑफ दिस डिवाइस। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा करना है आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप स्मॉल इमेज इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। देन आंसर के लिए अगेन आप जाएंगे, यहाँ आपने आंसर दिया ऑप्शन वन में, ऑप्शन वन आप पहले दे सकते थे, आंसर फीडबैक में भी डाल सकते हैं आप। हमने दे दिया माउस, सेम, ठीक है, ये आपका वन पॉइंट का हो गया। ये हमने मल्टीपल चॉइस करा था, अगर आप इसको शॉर्ट आंसर में भी करना चाहते हैं तो शॉर्ट आंसर में करके और यहाँ आप इसका आंसर लिख दीजिए, डन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं आप इजीली ऐड कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू देखना चाहते हैं आप तो प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके का आपका पेपर आएगा, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखवाना है आप यहाँ लिखवा सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्वेश्चन सेकंड आपका ये आ गया, थर्ड क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग आ गया, देन फोर्थ आपका ये आ गया, देन सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ प्रीव्यू फॉर्म। अगेन हमें यहाँ कुछ नेसेसरी चीजें भी रखनी थी, जैसे हमें सपोज करो यहाँ हमें एक क्वेश्चन और लेना था हमें, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम एंटर कंपलसरी करवाना था, तो हम उसके लिए वही शॉर्ट आंसर लेंगे और यहाँ डाल देंगे एंटर योर नेम, ओके, और इसमें आप आंसर टेक्स्ट में वो कुछ भी आपका डालेगा, इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, सो हमने रिक्वायर्ड कर दिया, इसमें कोई हमें पॉइंट नहीं देने हैं। अब ये हमें क्वेश्चन ऊपर चाहिए था, ये हमें स्वैप करने होंगे, तो आप ये जो आपके 9-6 बटन दिख रहे हैं आप इसको ऐसे उठा के यहाँ स्वैप कर सकते हो, ठीक है, तो ये स्वैप हो गई, ये सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया और ये एंटर योर नेम यहाँ आ गया। इस तरीके से आप और भी कर सकते थे, आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट करना, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। आप यहाँ चाहते हैं रोल नंबर डलवाना, या सपोज करो फादर्स डे डलवाना, एंटर फादर्स नेम, तो सेम मेथड है इसका भी। देन आंसर की में हमें कुछ नहीं करना, रिक्वायर्ड टेक्स्ट हमने डाल दिया, ओके, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते। तो ये आपका पेपर रेडी हो गया है, इनमें हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ओके, देन हमने प्रीव्यू कर दिया है,
आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना है कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड डाल सकते हो उसका इस तरीके से, देखो बैकग्राउंड आ रहा है, कलर आपको चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो आप, तो ये भी आप मॉडिफाई इसमें कर सकते हो। देन आफ्टर दिस आप आपका क्या काम है, अब आपको इसको सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आप यहाँ सेंड पे जाएंगे, यहाँ आपके पास एक तो ईमेल का लिंक है, तो ईमेल तो हम कलेक्ट नहीं कर पाए बच्चों का, तो हम लोगों ने ड्राइव का लिंक लिया, ड्राइव हम लोग ये शेयर कर देंगे लिंक, ये बहुत बड़ा लिंक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो देन शॉर्टर URL पे क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए यहाँ से, और आप इसको जाके अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप पे पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ स्टूडेंट्स के ग्रुप पे जाइए व्हाट्सएप पे, देन पेस्ट इन टू स्टूडेंट ग्रुप, इस तरीके से आप इसके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज मेथड, एंड इसमें आपका आप इसमें प्रीव्यू करके सबमिट करके आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी कर लेते हैं एक बार प्रीव्यू करते हैं, हमने यहाँ कोई नाम डाला, सपोज करो अमित डाला, देन फादर्स नेम हमने डाल दिया अनिल, देन मैंने क्लिक करा, कोई भी आंसर मैंने दिया, इसमें मैंने दे दिया माउस, क्या देन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आप कोई भी चूज कर सकते हैं, सक्सेसफुली सबमिट आ गया, ये हमने वहां टेक्स्ट डाला था, देन व्यू स्टोर कीजिए, तो ये आपका देखो 4/5 आंसर आ गया, आपके 5 क्वेश्चन में से 4 आपके स्कोर आया है, क्योंकि हमने ये वाला गलत कर दिया, तो आपको करेक्ट आंसर भी वो शो कर रहा है। ओके, देन ग्रीन कलर मतलब करेक्ट आंसर है और आपका रेड मतलब रॉन्ग आंसर है, तो दिस वन इज रॉन्ग आंसर, क्लियर है ये, ठीक है, तो यही आपका मेथड है हाउ टू क्रिएट दिस फॉर्म्स, तो आई थिंक अब आप इजिली क्रिएट कर लेंगे, अगर फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप मुझे कर सकते हैं। मोर कंसेप्ट इज देयर, अब आप लोग कैसे देखेंगे कि आपका किसी स्टूडेंट ने कैसे रिस्पॉन्स करा है, तो आप यहाँ जाइए रिस्पॉन्स पे, आप रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ समरी आ जाएगी कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने आप कितना रिस्पॉन्स आपको किया था, आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस थे उसमें आपका ये आंसर गलत था उस स्टूडेंट का, ठीक है, देन इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल अमित स्टूडेंट था उसने ये क्वेश्चन गलत करे थे, उसकी पूरी मार्क्स शीट आ जाती है आपके पास, या फिर आपके पास जैसे 50 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स हो गए या आपके 10 स्टूडेंट्स हो गए, तो आप चाहते हैं कि एक मेरे पास फाइल क्रिएट हो जाए, आप यहाँ क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाएंगे, यहाँ आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, आप नाम दे सकते हो यहाँ किसी का नाम से एंड क्रिएट कर दीजिए, तो ये आपकी एक फाइल रिस्पॉन्स आ जाता है, देखिए इसमें आपको पूरा टाइमिंग शो करेगा, स्कोर शो करेगा, स्टूडेंट का नेम शो करेगा, फादर्स नेम, उसने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, सबके आंसर्स वो देगा, ठीक है, तो ये आपकी फाइल आ गई है, आप इसको इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स की आपकी फाइल आ जाती है, जिससे आप इजिली मैनेज कर सकते हो हर स्टूडेंट्स के मार्क्स। ओके,